क्या आप भी ऐसा प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल पाए जाते हैं, जिसमें पैराबिन होता है, सल्फेट होता है, आर्टिफिशियल कलर होता है, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस होती है? तो इसी वक्त इसको यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। क्योंकि इसमें ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं यूज़ किए गए होते हैं कंपनी के द्वारा, जो हमारी स्किन के लिए डेफिनेटली बिल्कुल भी अच्छे नहीं होती है। क्योंकि और जो बॉडी पार्ट्स पे हमारी स्किन होती है, उससे जो हमारे फेस की स्किन है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, वो बहुत ज़्यादा हार्म हो जाती है इन चीज़ों से। तो आपको डेफिनेटली ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए जिसमें केमिकल ना हो और वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म ना करें। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा ही फेस वॉश लेकर आई हूँ जो आपके ऑयल को कंट्रोल करने में, पॉल्यूशन से जो आपकी स्किन हार्म हो गई है, यूवी रेस से जो आपकी स्किन हार्म हो गई है, उसको डेफिनेटली इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, घर पे रहिए और सेफ रहिए। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसा फेस वॉश और ऑयली स्किन के लिए, मीन्स जो ऑयली स्किन के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी ऑलमोस्ट इसको 1 ईयर से ट्राई कर रही हूँ। ऑलमोस्ट एक बॉटल मैं इसकी फिनिश कर चुकी हूँ और दूसरी बॉटल भी मैं इतनी इसकी फिनिश कर चुकी हूँ। तो ये जो फेस वॉश है वो है बेला वीटा का ऑर्गेनिक सी ग्लो फेस वॉश। मैं इसको विंटर्स में ट्राई करती थी पर मुझे विंटर्स में सूट नहीं किया, क्योंकि ये जो मेरी स्किन वैसे ही ड्राई हो जाती है विंटर्स में, उसको और ज़्यादा ड्राई कर देता है। तो विंटर्स में मैंने इसको अप्लाई करना छोड़ दिया था, पर मैं इसको समर्स में फिर से अप्लाई करना स्टार्ट किया है और ये डेफिनेटली मेरे स्किन पर बहुत अच्छा वर्क किया है इसने। क्योंकि कुछ कुछ टाइम पर क्या होता है, जो समर्स होती हैं, जो फिर जो भी हमारे मानसून आने वाला होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है, वो डेफिनेटली हमारे फेस पे अपना असर जरूर दिखाती है। वो आपको पता ही होगा कि विंटर्स में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, समर्स में हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आने लगता है और मानसून में तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा होने लगता है हमारी स्किन जो होती है। तो डेफिनेटली समर्स में आपको ऐसा फेस वॉश लेना है जो आपकी स्किन पे जो बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है उसको कंट्रोल कर सके, और जो एक्ने हो जाते हैं हमारी स्किन पे वो क्यों होते हैं उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है पिंपल्स वाला, वो भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा डिस्कशन अपना दिया हुआ है कि हमारी स्किन पे एक्ने क्यों होते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं बेला वीटा का सी ग्लो फेस वॉश, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, तो पूरा आज मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं कि नहीं ट्राई कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो कुछ इस तरीके की आपको इसमें पैकेजिंग मिलेगी, प्लास्टिक की बॉटल है। इसमें और भी वेरियंट्स आपको मिल जाएंगे तरह तरह के, इसको बस आपको ओपन करना है। बहुत लिटिल बिट क्वान्टिटी इसमें आपको लगेगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, और ये 3 या 4 मंथ्स आपके डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से चल जाएगा। और इसकी जो प्राइस है वो 225 में आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन पे मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करते हैं, कुछ भी सेलिब्रिटीज से ऐड नहीं करवाते हैं। तो आपको ये प्रोडक्ट्स हैं बहुत सस्ते ही मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, बहुत ज़्यादा इनकी प्राइस नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की, कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। तो इसमें पहला जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया गया है वो विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है, जो भी हमारे पॉल्यूशन से, यूवी रेस से हमारी स्किन जो डैमेज हो गई है उसको रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और जो भी हमारा एक्सेसिव ऑयल हो रहा है हमारी स्किन पे उसको कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद इसमें यूज़ किया गया है सैंडलवुड। सैंडलवुड आप जानते ही, जिसको बोलते हैं हम चंदन। चंदन हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो भी एक्ने के स्कार्स हैं, मीन जो पिंपल्स के स्कार्स, धब्बे, ब्लैक स्पॉट्स रह जाते हैं, उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद इसमें यूज़ किया गया हनी। हनी भी यही होता है कि जो हमारी पिगमेंटेशन है, ब्लैमिश हो रहा है हमारे स्किन में, एक्ने के स्कार्स हैं, एक्ने हो रहे हैं, उसको रिमूव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इसमें यूज़ किया गया है कॉफ़ी। कॉफ़ी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये कॉफ़ी। उसके बाद इसमें यूज़ किया गया है नीम। नीम आप जानते ही हैं कि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे इन्फेक्शन को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जो हमारे स्किन में इन्फेक्शन हो रहा है, एक्ने हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको रिमूव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट जो यूज़ किया गया वो है लेमन। जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, पीछे इसके और भी इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये जो लेमन होता है उसमें क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके एक्ने हो रहे हैं उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और जो एक्सेसिव ऑयल आ रहा है आपके स्किन पर,
मीन्स बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है आपके स्किन पे समर में या फिर मॉनसून में, उसको कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अब बात करते हैं इसकी अदर इंग्रेडिएंट्स की, इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है। इसमें रोज़ वाटर यूज़ किया गया है, तुलसी का एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है, लेमन ऑयल यूज़ किया गया है, एसेंशियल ऑयल यूज़ किया गया है, हनी, ये सब चीज़ें इसमें यूज़ किए गए। तो आपको इंग्रेडिएंट्स तो इसके पता चले गए होंगे। तो अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के, कि आपके स्किन पे क्या क्या बेनिफिट और देगा। तो ये सबसे पहले जो काम करेगा वो आपके ऑयल कंट्रोल, मीन्स जो आपके ऑयल आ रहा है आपके फेस पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। उसके बाद एंटी एक्ने, मीन्स जो भी आपके एक्ने हो रहे हैं इसको भी दूर करने में हेल्प करेगा। डी टैन, जो मतलब टैनिंग हो रही है, ब्लैक ब्लैक जो आपके टैनिंग हो जाती है समर्स में यूवी रेज से, जो आपकी सन रेज आती हैं उसको दूर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आपके जो भी स्किन है उसको ब्राइटन बनाने में, सूतन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। और थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि ये ISO सर्टिफाइड है, अच्छी बात है, मेड इन इंडिया है, ये इंडिया में ही बना हुआ प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली आपको इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और इसमें बात करते हैं कि नो पैराबेन, नो हार्श डिटर्जेंट, नो सल्फेट इसमें यूज़ किया गया है। और ये सर्टिफाइड बाय आयुर्वेदा भी है, मतलब आयुर्वेदा के द्वारा सर्टिफाइड है। ऑर्गेनिक चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं, नॉन टेस्टेड ऑन एनिमल्स, किसी भी एनिमल्स पे इसका टेस्ट नहीं किया गया है। तो डेफिनेटली अच्छा प्रोडक्ट आपके लिए साबित होने वाला है, मींस अच्छा प्रोडक्ट आपके लिए बनने वाला है। तो डेफिनेटली इसको आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। और भी वेरिएंट्स में जो आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे भी रिलेटेड आप कुछ देखना चाहते हैं इसमें, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। मैं इसके एक और चीज़ बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, वो है ये बेला वीटा का फेस जेल क्रीम, ऑलमोस्ट ही फिनिश हो चुका है। इसकी एक और बॉटल मैंने मंगाई है अभी, और मैं इसको भी ट्राई करती हूँ। इसमें भी नेचुरल चीज़ें यूज़ की गई हैं, जैसे टर्मरिक हो गया, सैंडलवुड हो गया, ये सब चीज़ें इसमें भी यूज़ की गई। तो आप इसका ये भी ट्राई कर सकते हैं, जेल क्रीम जो है। जेल में भी आपको बहुत सारे वेरिएंट्स और मिल जाएंगे, फेस वॉश में भी आपको बहुत सारे वेरिएंट्स और मिल जाएंगे। आप जो भी चीज़ इसकी ट्राई करना चाहते हैं डेफिनेटली इसकी ट्राई कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।